हेलो गाइस, तो जैसे कि मैंने रिसेंटली पोस्ट डाला था तो उस पर आपने देखा था कि काफ़ी सारे वोट्स आए थे कि R6 का जो एग्ज़ॉस्ट है वो इंस्टॉल करो। तो R6 का जो एग्ज़ॉस्ट है वो कस्टम मेड है। आइए पहले इसकी आवाज़ सुन लेते हैं, देन मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊँगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ R6 का एग्जॉस्ट। GFY शिप ने मुझे भेजा है, जहाँ से मैंने एक्रोपोविक मंगाया था उन्होंने ही मुझे मेरे चैनल के लिए ये एग्जॉस्ट भेजा है। ये एग्जॉस्ट का प्राइस है 7000 रुपीज़ प्लस इस पे 3400 रुपीज़ कस्टम ड्यूटी भी लगी थी, तो टोटल मिला के 10K प्लस का हो जाता है। ये जो एग्जॉस्ट है ये स्पेशली 600 CC से ऊपर की बाइक के लिए है, R6 और Z800 के लिए। तो R6 और KTM बाइक्स में ये एग्जॉस्ट लगता है, पर मैं आज इसको लगाने जा रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि कैसी आवाज़ आती है और अपना रिव्यू दूंगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आइए पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े कार्टून में ये आता है और काफ़ी अच्छे से रैप किया गया है, क्योंकि काफ़ी महंगा एग्जॉस्ट है इसलिए इतनी पैडिंग बनती है। और ये बिल्कुल सेफली डिलीवर हुआ है। इसके साथ आपको एग्जॉस्ट का कवर भी मिलता है, जिसे हीट शील्ड भी कहते हैं। तो एग्जॉस्ट के कुछ क्लोजअप मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज आप क्लोजअप देख चुके हैं एग्जॉस्ट के। तो गाइज मैं इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ और आप देख सकते हैं कि कैसी लुक आ रही है। आइए इसका एग्जॉस्ट नॉट सुन लेते हैं। आपने देखा कि कैसा एग्जॉस्ट नोट था, काफ़ी हैवी एग्जॉस्ट नोट था। जो मैंने एक्रोपोविक लगाया था उससे थोड़ा हैवी साउंड था इसका,
और इसमें डीवी किलर नहीं लगता, जबकि एग्रा पोविक में डीवी किलर भी लग जाता है। तो आपने देखा कि डीवी टेस्ट में ये 90 के आसपास नहीं जाता, ये 78 से लेके 84 के बीच में रहता है। तो यही जो रेंज है ये रहती है इसकी ओवरऑल। और अब मैं आपको इसका रिव्यू दे देता हूँ। इसको मैंने लगाकर 2 दिन चलाया था। 2 दिन में मैंने क्या नोटिस किया कि इसमें पिकअप तो थोड़ा सा बढ़ता है, टॉप एंड में काफ़ी हेल्प मिलती है, लो एंड भी इम्प्रूव हो जाता है। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरी एक्रापोविक वाली वीडियो जाकर देखिए, ये सेम ही ब्रांड का एग्जॉस्ट है और इससे एक तिहाई प्राइस पर आपको वो मिल जाएगा और उसके काफ़ी सारे बेनिफिट हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक्रापोविक के साथ जाइए। ये थी मेरी आज की वीडियो R6 के एग्जॉस्ट के ऊपर। तो ये सिर्फ एक टेस्ट था, प्लीज़ इस वीडियो को डिसलाइक मत करना और जो भी आप सोचते हैं वो आप कमेंट कर देना, जो भी आपको लगा वो आप कमेंट कर देना। और प्लीज़ कमेंट कर देना कि आपको कैसी वीडियोस देखना पसंद है। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको एक्रापोविक क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ इसके ऊपर, वो इसलिए क्योंकि एक्रापोविक की कॉस्ट काफ़ी कम है, आपको कस्टम ड्यूटी भी पे नहीं करनी पड़ती, प्लस उसमें रियर में डीवी किलर लग जाता है और वो लुक्स भी काफ़ी अच्छी देता है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो ये 600 cc की बाइक्स के लिए है फॉर श्योर, तो इसको 150 cc की बाइक पे लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। मुझे इस ब्रांड ने कहा था कि आपके लिए गिफ्ट है, तो मैंने इसको बनाया और आपके सामने मैंने वीडियो लाई और जो सच था वो मैंने आपको बताया। तो आप चाहें तो एग्रापोविक के साथ जा सकते हैं, चाहें तो इसको लगवा सकते हैं। तो जो भी सच था वो मैंने आपको सेम टू सेम बता दिया, इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है। मैं आपको अभी भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक्रापोविक लें, इसको ना लेकर आप एक्रापोविक के साथ जा सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट है और उसकी जो नोट है एग्जॉस्ट नोट वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपको उसके लिंक्स चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर वो चेक कर लेना। उसके ऊपर मेरी 3 वीडियो है, इंस्टॉलेशन की, फ्लाई बाई की और डीवी टेस्ट की। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ कमेंट कर देना अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो। सो दिस इज़ विनय फ्रॉम इन्फो इंस्टा साइनिंग आउट। टेक केयर, बाय बाय।